हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो आ गई हूँ आपके लिए कुछ किचन और कुछ घरेलू टिप्स लेकर। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टिप्स नंबर वन है फ्रेंड, बहुत ही खास है, छोटी सी टिप्स है लेकिन है बहुत बेहतरीन। हमारे यहाँ इस तरीके के पायदान पड़े रहते हैं और आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी सारे बाल, धागे, डस्ट इकट्ठी हो जाती है और बाल तो ऐसे होते हैं कि हमारे पैरों पर लगकर किचन तक पहुँच जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो और ये हम निकालने बैठे तो काफ़ी सारा समय चला जाता है और ये अच्छे से निकलते भी नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। आप पानी डालिए पायदान पर और कपड़े धोने वाले ब्रश से आप अच्छे से इसे वॉश कर दीजिए, यानी कि रगड़ दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जितने भी बाल होंगे वो सारे इस जो कपड़े धोने वाला ब्रश है इसमें आकर चिपक जाएंगे और फिर आप इसमें से इजीली निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे बाल निकले हैं, इसमें से धागे भी हैं। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड, जो मैं यूज करती हूँ इस तरीके की टोकरी में अपने बर्तन वॉश करके रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो बड़ी वाली परात होती है हमारी खाना बनाने वाली, सबसे पहले उसे धोकर मांझ कर अच्छे से रख लेती हूँ और उसी में मैं एक प्लेट उल्टी करके रख देती हूँ छोटी सी, फिर उसके ऊपर से मैं टोकरी रखती हूँ। ऐसा करने की मुझे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है फ्रेंड क्योंकि जब भी हम बर्तन वॉश करके छबड़ी के अंदर रखते हैं तो सारा पानी हमारा किचन काउंटर पर फैल जाता है, यहाँ तक कि नीचे तक पानी फैल जाता है किचन में, जो बिल्कुल भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इसे रखती हूँ ताकि सारा पानी जो इसमें गिरेगा बर्तनों का वॉश होने के बाद, तो सारा इस परात के अंदर जाएगा। और ये प्लेट मैंने इसलिए रखी है ताकि हमारी छबड़ी में दोबारा से एक्स्ट्रा पानी ना घुस जाए, यानी कि जो परात का पानी होता है वो छबड़ी में दोबारा ना आए। तो यहाँ पर मैं आपको हटाकर दिखाती हूँ बर्तनों को सारे वॉश करने के बाद। ये देखिएगा परात के अंदर कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अगर मैं इस परात को नहीं रखती तो सारा पानी ये काउंटर पर फैल जाता किचन के, और जो अच्छा लगता। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा किचन का स्लेब बिल्कुल सूखा है, ड्राई है एकदम, और बस लास्ट में। और देखिए यहाँ नीचे भी एक भी पानी की बूंद नहीं गिरी है किचन में। तो बस लास्ट में मैं इस परात को और प्लेट को अच्छे से वॉश कर उसी बर्तन वाली छबड़ी में रख देती हूँ फ्रेंड। ऐसा करने से हमारा समय भी बचता है और हमारा काम भी ज़्यादा नहीं फैलता है। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। टिप्स नंबर थ्री, जब भी हम कोई चीज़ काटते हैं, सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं या जो भी काटते हैं, तो हमारे चाकू बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनकी धार ख़त्म हो जाती है चाकू की, और हमारे पास इस तरीके के कप पड़े रहते हैं टूटे फूटे और हम फेंक देते हैं। तो मैं तो रखे रहती हूँ कप को, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि चाकू हमारे तेज़ नहीं चल रहे हैं तो मैं इस तरीके से कप को उल्टा करके उसकी तली पर अच्छे से चाकू को रगड़ लेती हूँ, जिससे वो दोबारा से शार्प हो जाते हैं, यानी कि तेज़ हो जाते हैं। मैं कभी भी बाहर चाकू को तेज़ कराने के लिए नहीं भेजती हूँ, जिससे मेरे पैसे भी बच जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाता है। टिप्स नंबर फोर, तो फ्रेंड लहसुन की कई सारी मैंने विधि बताई है कि इस तरीके से छीलने से आसानी से छिल जाता है, और एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहसुन छीलने का, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ना तो आपको भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी लहसुन को और ना ही फुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे भी नहीं। तो यहाँ पर लहसुन की मैंने एक कली उठा ली है और इसका ऊपर वाला सिरा जो होता है लहसुन की कली का, वो मैंने काट के अलग फेंक दिया है, और बस इस कली को मैं बीच से काट देती हूँ चाकू की सहायता से। ऐसा करने से ये जो छिलका होगा इसका एकदम आसानी से उतर जाएगा, जैसे मूंगफली के अंदर से दाने निकल जाते हैं ना, उसी तरीके से लहसुन छिलके के अंदर से निकल जाता है। बस आपको ध्यान करना है कि जो इसका सिरा है ऊपर वाला जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे चाकू से काट कर अलग कर देना है, और फिर आपको लहसुन की कली को बीच से काटना है, और बस ईजिली इसका छिलका अलग हट जाता है और हमारा साफ़ सुथरा लहसुन मिल जाता है फ्रेंड। तो कैसा लगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी समय बचेगा आपका। टिप्स नंबर है हमारी फाइव, तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर रही हूँ, तवे पर लिया है मैंने किसान क्रैचअप और आधा नींबू, और इसे मैं अच्छे से गरम कर रही हूँ फ्रेंड। और ये मैं आज क्लीनिंग कर रही थी तवे की, तो अचानक से क्या हुआ मेरी गैस ख़त्म हो गई, और मैंने बनाए थे पराठे और मुझे क्लीनिंग करनी थी और मुझे वीडियोज़ भी बनानी थी, शेयर करनी थी टिप्स, लेकिन गैस ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने आइडिया लगाया, मेरे पास मोमबत्ती रखी थी, मैंने मोमबत्ती जलाई और उसी पर अपना तवा गरम कर लिया। तवा गरम करने के साथ जब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं फ्रेंड, तवा गरम होना चाहिए
तो ये जो हमारे तवे पर चिकनाई होती है घी की या ऑयल की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हट जाती है इसमें से, और हमारा तवा बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। आपने देखा होगा कि नींबू से क्लीनिंग करने से लोहा बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, और किसान क्रैचर पर वो भी खट्टा होता है, उससे भी बहुत जल्दी से हमारा तवा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म करने के बाद मोमबत्ती पर नीचे उतार कर रख लिया था, और इसे मैं अच्छे से रगड़ देती हूँ, अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने इस तवे को वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, इसमें छोटी सी भी चिकनाई कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। तो फ्रेंड बस इसीलिए मैंने मोमबत्ती पर तवा गर्म किया था, क्योंकि गैस मेरी ख़त्म। टिप्स नंबर 6 बहुत अच्छी है फ्रेंड, जब भी हम छोटे मुँह की बोतल में कभी भी नमक वगैरह डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं, तो वो जल्दी से बोतल के अंदर ना जाकर ऐसे ही बिखर जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है यहाँ पर एक कागज़, और कागज़ का मैं अच्छे से कोण बना लेती हूँ, एक तरीके से जो कोण बनता है उसी तरीके से मैंने इसमें कोण की तरह ये बना दिया है, और फिर मैं इस बोतल के अंदर इसे एडजस्ट कर देती हूँ, और फिर इसके अंदर मैं आपको नमक डाल के दिखाती हूँ कितनी जल्दी ये पूरा नमक इस बोतल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है। आप लोगों से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।